नमस्कार, मैं रवि अत्रोलिया रिटायर्ड डीएसपी हूँ, लेकिन राजध्वज तिरंगे के लिए पिछले 23 साल से आप लोगों के बीच आकर इसकी जानकारी दे रहा हूँ। और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक बार फिर अपने भारत के झंडे बनने के इतिहास को और हमारा जो राष्ट्रध्वज तिरंगा है उसको साथ सम्मान कैसे फहराया जाए, और जब वो फहराने योग्य ना रहे तो उसे किस तरह से ससम्मान वैधानिक रूप से नष्ट किया जाए, ये जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। तो हम चलते हैं सन 1600 में। 1600 में गुजरात प्रांत के सूरत नगर में अंग्रेज व्यापारी आए थे और उनका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन हॉकिंस। उनके हाथ में था यूनियन जैक। हमने उस झंडे को तो देखा था लेकिन सोचा था कि कपड़े का टुकड़ा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी भूल थी क्योंकि वो अंग्रेज एक झंडा लेकर नहीं आए थे कपड़े का, बल्कि वो अपने राष्ट्र की शक्ति के साथ यहाँ आए थे और इसका एहसास भी उन्होंने हमें करा दिया, हमें गुलाम बनाकर, और इस तरह से हम गुलाम हो गए और गुलामी के दौर में हम जीते रहे। 1857 तक आते आते हमें लगा कि अब हमें इस गुलामी से मुक्ति पाना है, अपने देश को आज़ाद कराना है। तब चूँकि ये अखंड भारत था और उसमें छोटी छोटी रियासतें, राजे रजवाड़े थे जिनके अपने अपने झंडे थे, धर्म चिन्ह थे, तो उन सभी को एक मंच पर लाने के लिए एक कमल और रोटी ये भेजकर उनको संदेश दिया गया मीटिंग में आने के लिए। तब जब सभी राजे रजवाड़े इकट्ठे हुए तो वहाँ पर तय हुआ कि हम आज़ादी की लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ेंगे। तय हो गया, यह भी तय हुआ कि हम 31 मार्च 1857 को सभी एक साथ अपने अपने रियासतों से क्रांति का बिगुल बजाएंगे, क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि युवा पीढ़ी बेसब्री होती है, जो चाहिए अभी चाहिए, तो उस वक्त युवा पीढ़ी का एक प्रतिनिधि था मंगल पांडे, जिसे 31 मई का इंतजार नहीं हुआ, 29 मार्च 1857 को उसने गोली दाग कर एक क्रांति की शुरुआत कर दी और ये लड़ाई चालू हो गई। उस वक्त इस भारत भूखंड पर 565 रियासतें थीं, लड़ाई चल गई। मगर ये बता दूं कि हम सफल नहीं हो पा रहे थे मुक्त होने में अंग्रेजों से, कारण कि जो रियासतें थीं वो अपने स्वार्थ के लिए इस लड़ाई में शामिल हो रही थीं और जिस रियासत का स्वार्थ पूरा होता था वो उस लड़ाई से हट जाती थी। हमें एकजुट करने के लिए कोई एक ध्वज था नहीं। तब 1904 में स्वामी विवेकानंद की जो आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता हैं वो बोधगया में गई थी। वहाँ पर जगदीश चंद्र जी बसु और रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। निवेदिता के मन में आया कि मैं एक झंडा बनाऊँ ताकि उस देश के सभी लोग उसके साथ झुककर, उसके में जुड़कर लड़ाई लड़ें। उसने काले रंग के कपड़े के ऊपर पीले रंग से कुछ प्रतीक चिन्ह लगाए और रविन्द्रनाथ ठाकुर को दिखाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जैसे देखा तो बोले कि निवेदिता, तुमने तो ये युद्ध के चीन के ध्वज का जो झंडा था उसका नमूना बना दिया, तुम ये भूल गई कि काला रंग तो भारतीयों के लिए स्वीकार नहीं होगा, दूसरा बनाए। एक साल की अवधि के बाद भारत का पहला झंडा अस्तित्व में आया। 1905 में निवेदिता सिस्टर निवेदिता का झंडा कहलाया और ये झंडा था लाल रंग का। इसमें वर्गाकार था ये और इसमें बीचों बीच था भगवान शिव का अस्त्र वज्र और इसके दोनों तरफ वंदे मातरम बंगला में लिखा हुआ था और इसकी चारों सीमाओं पर 108 जो हमारे यहाँ पवित्र अंक माना जाता है, 108 वंदन वाले 108 ज्योतियाँ थीं। लाल रंग था संघर्ष का प्रतीक और पीला रंग था उस संघर्ष पर विजय का प्रतीक। इस तरह से ये झंडा अस्तित्व में आ गया। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के विभाजन हिंदू और मुस्लिम के आधार पर किया, तब वहाँ पर विरोध का आंदोलन शुरू हुआ और ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के इतिहास का पहला तीन रंग का झंडा फहराया और वो झंडा था आयताकार जिसमें रंगों का क्रम था हरा, पीला और लाल। हरे रंग की पट्टी पर 8 अध खिले कमल थे जो 8 रियासतों का प्रतीक थे। पीले रंग की पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम माँ हलंत के साथ अंकित था और नीचे की पट्टी लाल रंग की पट्टी पर एक तरफ था चांद तारा और एक तरफ था सूरज। इस प्रकार से यह सांप्रदायिक सौहार्द का भी परिचय बना।
विदेशों में भारतीय झंडे के और भारत की आज़ादी की बात को उठाने का श्रेय जाता है मैडम भिखई जी कामा को। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में वो एक सभा को संबोधित कर रही थी, तब अचानक उन्होंने अपने बदन पर लिपटे कपड़े को बाहर निकाला, हवा में लहराया और घोषणा की कि मेरे देश के झंडे ने जन्म ले लिया है। आपको बता दूं, ये झंडा बिल्कुल कलकत्ता ध्वज से मिलता जुलता था। इसके कल्पनाकार थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। इस झंडे में भी क्रम से वही रंग था, हरा, पीला और लाल। हरे रंग के झंडे पर 8 अधखिले कमल की जगह खिले हुए कमलों ने ले लिया। पीले रंग की पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम की बजाय सफ़ेद रंग से वंदे मातरम राह पर बिंदु के साथ अंकित हुआ और नीचे की लाल रंग की पट्टी पर सूरज और चांद यथावत थे। आपको बता दूं कि इस तरह से ये झंडा, क्या जब मैं इतिहास खोज रहा था तब लिटरेचर में तो क्रम यही मिल रहा था रंगों का, 1906 और 1907 के झंडों का, लेकिन भारत शासन का एक झंडा ऐसा मिला जिसमें कि रंगों का क्रम उल्टा था और कुछ तो भी भ्रमित करने वाला था। तब मुझे पता चला कि मैडम भिखई जी कामा का वो ऐतिहासिक ध्वज पूना के तिलकवाड़े में सुरक्षित है। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके देखा तो वहाँ मैडम भिखई जी कामा का वो ऐतिहासिक ध्वज चांदी के फ्रेम में अंकित था और उसमें स्पष्ट हुआ कि हरे रंग की पट्टी ऊपर है, बीच में है पीली और नीचे है लाल रंग की पट्टी, और ऊपर के हरे रंग की पट्टी पर कमल खिले हुए थे। इस तरह से ये मैडम भिखई जी कामा का ध्वज आया। 1916-17 के दरमियान होम रूल लीग का गठन किया था डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के द्वारा कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। उन्होंने भी एक झंडा प्रस्तुत किया, उस झंडे में 5 आड़े रंग की लाल रंग की पट्टियाँ थी और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थी आड़े, उसमें एक चांद तारा भी था, सप्तऋषि भी थे और ऊपर ध्वजदंड के ऊपर वाले कोने तरफ यूनियन जैक भी था। चूंकि लड़ाई हम इसी के खिलाफ लड़ रहे थे लिहाजा ये ध्वज उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया, लेकिन होम रूल लीग के जो उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य पूरे हुए, पार्टी इतिहास बनी, ध्वज भी इतिहास बन गया। 1921 में अब हम आते हैं, वेजवाड़ा में गांधी जी का जो अपना कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो वहाँ गांधी जी ने पिंगले वेंकैया जो झंडा बनाने में एक्सपर्ट था उसे बुलाया और कहा कि एक झंडे का बना के लेके आओ। 1 घंटे की अवधि में पिंगले वेंकैया लाल और हरे रंग के कपड़े को जोड़कर एक झंडा बनाकर लेकर आ गया और यही 1 घंटा गांधी जी के चिंतन का समय था। उन्हें याद आया कि यंग इंडिया नामक पत्रिका में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था राष्ट्रध्वज को लेकर। उस पर उन्होंने लिखा था कि इस भारत भूमि पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी विभिन्न जातियों धर्म के लोग रहते हैं, तो राष्ट्रध्वज ऐसा हो जो सभी के लिए अपना सा लगे और उसके लिए वो अपने प्राण निछावर कर सकें। उन्हें एहसास हुआ कि इन दो रंगों में तो बात नहीं आ रही है, तब उन्होंने अन्य धर्मों के प्रतिनिधि रंग स्वरूप सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ी और इस तरह से वो बना चरखा ध्वज, गांधी ध्वज या स्वराज ध्वज। इसमें हम देखते हैं कि सफ़ेद रंग की पट्टी ऊपर है, बीच में है हरे रंग की पट्टी और सबसे नीचे है लाल रंग की पट्टी और इसमें चरखा अंकित है। आपको ये भी बता दूं कि चरखा अंकित कराने के पीछे गांधी जी का मंतव्य बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पर जलंधर के लाला हंसराज रायजादा बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को सलाह दी कि विश्व में जो भी झंडे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह लगे हैं और चरखा इस वक्त भारत में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है, तो क्यों ना इसे झंडे पर हम अंकित करें। उनकी सलाह पर ये चरखा इस पर अंकित हुआ। मित्रों, अब और मैं बताना चाहूँगा कि 1931 की अवधि में एक ध्वज फिर अस्तित्व में, एक ध्वज कमेटी बनी जिसने एक ध्वज का नमूना प्रस्तुत किया, वो पूरा केसरी रंग का था और ऊपर कोने पर चरखा अंकित था, मगर भारत के विभिन्न धर्मों के लोगों की भावनाओं का रूप वो झंडा नहीं हो रहा था, तब प्रस्ताव स्तर पर ही बहुमत के साथ उसे निरस्त कर दिया गया। 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ पर पिंगले वेंकैया ने फिर एक झंडे का निर्माण किया जो कांग्रेस पार्टी का पार्टी ध्वज बना हुआ है और उसमें हमने देखा कि केसरे रंग की पट्टी, आयताकार था वो, केसरे रंग की पट्टी ऊपर है, मध्य में सफ़ेद रंग की पट्टी है और नीचे है हरे रंग की पट्टी और बीच में चरखा अंकित है। ठीक, ये उनका पार्टी ध्वज बना। और आपको बता दो कि 1885 से लेकर 1931 तक कांग्रेस का कोई पार्टी ध्वज नहीं था, यही ध्वज पार्टी ध्वज बना। अंग्रेज के लिए जो हमारे गरम दल और नरम दल के लोग क्रांति की कार्रवाई कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हिंसात्मक और अहिंसात्मक ढंग से कर रहे थे, अंग्रेज लोग घबरा उठे और उन्हें लगा कि अब भारत को ज़्यादा दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता।
तब दिसंबर 1946 में उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि आप आजाद भारत की सरकार चलाने के लिए जो भी नियम कायदे बनाना चाहते बना लें। तब डॉक्टर राय प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनाने का काम अम्बेडकर जी को दिया। राजध्वज के बारे में जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष थे पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू उसमें बने। उनके द्वारा सभी धर्म के लोगों को, प्रांत अपना दलों के लोगों को उनको बुलाया गया, बाकायदा डिबेट हुई। उस डिबेट में पहले तो कांग्रेस ने अपने ही ध्वज को, जो उनका पार्टी ध्वज था, उसे ही राजध्वज में परिवर्तित करने का आग्रह किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि आज़ादी लड़ाई में उनका बड़ा योगदान है। मगर सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया। विरोध का कारण ये था कि विश्व में भी जो भी आज हम झंडे देख रहे हैं वो किसी पार्टी के झंडे नहीं है, कि पार्टी ध्वज से लेकर राजध्वज में परिवर्तन कोई भी नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये आप समझ सकते हैं। तो ये बात आई कि भारत में भी कोई भी पार्टी ध्वज राजध्वज नहीं बनेगा। फिर चिंतन मनन चला तो फिर सभी की एक सहमति बनी कि ठीक है साहब, जो कांग्रेस का ध्वज है आयताकार है, केसरिया सफ़ेद और हरे की पट्टी है, ठीक है चलेगा ये, लेकिन चरखा नहीं चलेगा। चरखे के विकल्प के लिए सारनाथ में जो शिला थी अशोक की, उसमें से हमें मिला धर्मचक्र। धर्मचक्र को हमने प्रतीक के रूप में चुना। क्यों? क्योंकि चक्र को हमने इसलिए चुना कि आज़ाद भारत की प्रगति के लिए चक्र बिल्कुल सही उदाहरण था, तो चक्र चुन लिया। अशोक के धर्मचक्र में अनेक शलाखाएँ थीं, तो हमने इसमें सिर्फ 24 शलाखाएँ रखी ताकि भारत की 24 घंटे प्रगति होती रहे। आपने देखा होगा झंडे में नीले रंग के हमने चक्र को स्वीकार किया है। तो नीला रंग क्यों चुना गया झंडे में उस चक्र के लिए, वह भी एक संदेश था कि भारत की अंतहीन प्रगति होती रहे, क्योंकि नीला रंग प्रतीक है जिस तरह से अनंत और विशाल है नीला आकाश, और जिस तरह से अथाह गहरा है नीला सागर, ऐसी भारत की अंतहीन प्रगति हो, लिहाजा हमने चक्र में नीला रंग चुना। और इन तीन रंगों पर जब चक्र बना जाके लगा तो बनता है हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। और जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ वो तारीख थी 22 जुलाई 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने एक गरिमापूर्ण भाषण देते हुए ध्वज के मानक बताए। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 47 की स्थितियों के बाद ध्वज के जो शर्तें जोड़ी गई हैं, उन शर्तों के साथ मैं अब इस बात को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है कि मानक राष्ट्रध्वज क्या होता है। तो सुनिए अब आप, इसमें मैंने पंडित नेहरू की बात को शामिल किया है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम को शामिल किया है, नेम एंड एम्बलम एक्ट को शामिल किया है, और ISI जो हमारा सच्चाई और सत्यता का प्रतीक है उस संस्था के नाम्स को भी इसमें शामिल करके अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप सुनिए गौर से, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है देखने वाली बात, क्योंकि इसी में गलतियाँ होती हैं और यहीं से राष्ट्रध्वज के अपमान का कारण बनता है। बताया गया कि भारत का राष्ट्रध्वज आयताकार होगा, जिसकी लंबाई 2 और चौड़ाई 3 होगी, और इसमें 3 समान रंग की पट्टियाँ होंगी, क्रमशः केसरिया सफ़ेद और हरा, और सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच होगा अशोक का चक्र, जिसमें 24 शलाखाएँ होंगी जो नीले रंग का होगा, और उसका डायमीटर सफ़ेद रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा, ताकि वह दूर से हरे और केसरे रंग को छूता हुआ महसूस करे, और चक्र दोनों तरफ से अंकित होगा। राष्ट्रध्वज का निर्माण खादी से भी हो सकता है, खादी सिल्क से भी हो सकता है, और ऊन से भी हो सकता है। लेकिन जब हम खादी का कपड़ा बनाते ध्वज के लिए, तब उसमें एक विशिष्ट शैली बताई गई, और वो ये कि राष्ट्रध्वज के कपड़े का निर्माण जब करते हैं तो उसका सूत हाथ से काता जाएगा और कपड़ा भी हाथ से ही बुना जाएगा, और 205 ग्राम खादी से 1 वर्ग फीट खादी कपड़े का निर्माण होगा। इस तरह से यह नाम्स बनाए गए, और इन नियमों के अनुसार उत्तरी कर्नाटक के जिला धारवाड़ का जो गर्ग नामक गांव है वहां पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी इस ध्वज को बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं वो बिल्कुल इसी प्रक्रिया से। ISI वाले जाके फिर उसे चेक करते हैं कि उनके जो 225 ग्राम खादी से ही 1 वर्ग फीट कपड़ा बना के निर्माण, उस हिसाब से उसको टेस्ट करने के बाद वो कपड़े के थान जाते हैं बॉम्बे, वहाँ पर उन पर रंग होता है केसरिया सफ़ेद और हरा, और फिर इनको लाके
फिर इन पर सिलाई करके काट के झंडे बनाए जाते हैं। तब इनकी जो सिलाई होती है तब वो भी सूत जो है वो खादी का रहता है, हाथ से कता हुआ रहता है। उस झंडे के ऊपर जो हम ध्वज दंड तब जिसमें रस्सी बंधी रहती है उस वाले हिस्से को अगर हम देखें तो सफ़ेद रंग की पट्टी से रहता है वो, उसके ऊपर आपको मिलेगा ISI मार्का। और आपको ये बता दूं कि भारत में जो सुई से की नोक से लेकर जहाज तक का निर्माण होता है उसमें सभी में सेंट्रल एक्साइज कस्टम टैक्स लगता है, बट तिरंगा जहाँ निर्माण होता है वहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उस पर ISI मार्का डाला और ISI संस्था पहला प्रोडक्ट था झंडा हमारा जब ये गठन हुआ। इसमें हमने ये देखा कि उस पर लिखा रहता है ISI 1 1951, और जब दशमलव पद्धति आई तब उसमें उसका सन बदल गया। उसमें ध्वज की साइज रहती है और कहाँ से बना है वो रहता है और उसका सन भी डाला रहता है। शासकीय कार्यालयों पर इसकी बाध्यता है कि वो ISI मार्का वाले ध्वज ही फहराएंगे। मित्रों इस तरह से हमारा ये राजध्वज बना। उसमें फिर कहा गया कि इसे सूर्योदय के समय सम्मान के साथ तेजी से फहराया जाए, सूर्यास्त के समय सम्मान के साथ इसे धीरे धीरे करके उतारा जाए। केसरिया रंग था त्याग और बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद रंग था सत्य और शांति के लिए, नीला चक्र मैंने बताया है कि अंतहीन विकास के लिए, और हरे रंग की पट्टी थी श्रद्धा और शौर्य के लिए। तो इस तरह से ये हुआ। फिर अब बात आती है कि इसका अपमान क्या कहलाएगा। तो इसका अपमान होगा कि राजध्वज को काटना, फाड़ना, जलाना, पैरों से रौंदना, उसे विकृत करना, उसका व्यवसायिक उपयोग करना, ये सभी इसके अपमान की श्रेणी में आते हैं। राजध्वज को पानी की सतह का स्पर्श करना या भूमि का स्पर्श करना यह भी राजध्वज के अपमान की श्रेणी में आता है। और जब ये गलतियां बढ़ने लगीं तब 1971 में इन अपराधों के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बनाया गया, जिसमें धारा 2 के अंतर्गत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिन्ह के लिए अपमानित करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई, और धारा 3 में राजध्वज के अपमान को लेकर यह बात कही गई, उसमें 3 वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था है। आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि 365 दिन राजध्वज फहराने का अधिकार हमको मिल चुका है 2002 में। फ्लैग कोड इंडिया 2002 में आप देखेंगे तो आपको ये अधिकार मिल चुका है। तो हर राष्ट्रीय पर्व पर हमें अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर गर्व के साथ सम्मान का ध्यान रखते हुए राजध्वज फहराना चाहिए। मित्रों यहाँ पर मैं अब आपको ले चलता हूँ एक घटना की ओर। लाल किले पर पहली बार आज़ाद भारत में पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया था। कारण कि 15 अगस्त को सुबह जब सेंट्रल हॉल में 8:30 बजे 10:30 बजे 21 तोपों की सलामी के बीच में जो ध्वज फहराया गया था, और फिर उस दिन चार्ज हैंडेड ओवर टेकन ओवर की कार्यवाही में हम 15 अगस्त 1947 को ध्वज नहीं फहरा पाए थे, लेकिन 16 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने लाल किले का चयन इसलिए किया कि वहाँ पर सुभाष का सपना था, सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि आज़ाद भारत का राष्ट्रध्वज लाल किले से फहराया जाए, और इस कारण से लाल किले का चुनाव किया गया। और पंडित नेहरू ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया। मित्रों यहाँ तक तो बात थी हमारे इस राष्ट्रध्वज की। जब यह राष्ट्रध्वज बन गया तो मैं आपको बताऊं कि इसके सम्मान में मैं एक ही बात कहता हूं, शौर्य शांति उत्थान का, गौरव का, अभिमान का गर्व प्रतीक तिरंगा है मेरे हिंदुस्तान का। दोस्तों ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हम जो भारतवासी हैं हमारे शरीर कद काठी बोलचाल पहनावा खान पान को लेकर हम देखें तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ के नागरिक हमसे मिलते जुलते हैं। विदेश में अगर ये सभी लोग खड़े हों तो ये पहचानना मुश्किल है कि ये किस देश का निवासी है, मगर हमारे हाथ में अगर तिरंगा है तो पता चल जाता है कि भारतीय है। मतलब वहाँ मेरा नाम या दूसरी बात काम नहीं आती है, हमारी पहचान बनती है हमारा तिरंगा। अब ये तो ही आपके राष्ट्र तिरंगे के मानक क्या होते हैं इसको पहचानना आपका काम है। अब यही चीज़ आप देखें, जब भी आप अपने घर पर ध्वज ला के लगाते हैं या ध्वज खरीदने जाते हैं तो इस बात को देख लें कि चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी रंग की पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और ध्वज के दोनों तरफ अंकित है या नहीं, इसको बात के जरूर पुष्टि कर लें। फिर अब मैं आता हूँ कि सम्मान के साथ इसका ध्वजारोहण कैसे हो। तो इस बात को याद रखिए कि एक भवन के ऊपर एक ही राजध्वज फहराया जाता है, मगर भारत में संविधान
संसद भवन ऐसा है जिसमें एक साथ चार चार राजध्वज फहराए जाते हैं क्योंकि उसकी बनावट गोलाकार है। और इसी तरह से भारत में जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन के पास, वहाँ की वह दीवार जो इंडिया गेट की तरफ है, उस दीवार पर एक साथ दो दो तिरंगे लगाए जाते हैं। उसके अलावा किसी भी बिल्डिंग पर एक से ज़्यादा ध्वज नहीं लगाए जा सकते, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात आप याद रखें कि जब कभी राजध्वज को हमें अपने दीवार पर लगाना है या कोई अधिकारी लगाते हैं, तो उस वक्त ध्यान रखें कि केसरी रंग की पट्टी होगी आसमान की तरफ और हरे रंग की पट्टी होगी नीचे तरफ। किसी कार्यक्रम में मंच के बैकड्रॉप पर अगर वो तिरंगा लगाया जा रहा है, तो इस बात का देखेंगे हम कि केसरी रंग की पट्टी होगी आसमान तरफ और हरे रंग की पट्टी होगी नीचे, लेकिन वक्ता के कंधों से नीचे वो हरे रंग की पट्टी ना जा पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब हम आते हैं कि राष्ट्रध्वज का जब भारत में प्रदर्शन हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला भी बता देता हूँ मैं आपको कि भारत भूमि पर राष्ट्रध्वज तिरंगे का जब भी प्रदर्शन होगा वह हमेशा मंच पर राइट साइड पर होगा। जो भी व्यक्ति बैठा है मंच पर उसके राइट हाथ तरफ तिरंगा होगा और तिरंगे के और राइट में कुछ भी नहीं होगा। जो भी आएंगे व्यक्ति या झंडे, वो तिरंगे झंडे के लेफ्ट साइड में ही रहेंगे। दूसरी बात, अब मैं आपकी बात करता हूँ कि अगर आप जिस तरह से प्रोग्राम को देख रहे हैं, टीवी पे कोई प्रोग्राम देखते हैं, सिनेमा हॉल में कोई देखते हैं, तो आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप स्क्रीन पर या सामने जो झंडा देख रहे हैं, अगर वह झंडा आपको अपने लेफ्ट हैंड तरफ दिख रहा है, क्योंकि आप बैठे हैं सामने, तो आप जब देखेंगे तो आपके अगर लेफ्ट हैंड तरफ झंडा दिख रहा है, इसका मतलब कि झंडा ससम्मान लगाया गया है। अब ये नियम हर जगह लागू होता है। जैसे विशिष्ट व्यक्ति अपने कमरे में रखते हैं कुछ बड़ा वाला झंडा जो आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है, वो उनके जो बैठेगा वो उसके राइट में होगा, जब आप देखेंगे तो वो आपको लेफ्ट में नजर आएगा। इसी तरीके से टेबल फ्लैग अगर हम लगाते हैं, टेबल फ्लैग, तो टेबल फ्लैग को आप देखेंगे, अभी 15 अगस्त पे देख लीजिएगा, वो आप देखिएगा तो वो विशिष्ट व्यक्ति के बाएं हाथ दाहिने हाथ तरफ होगा, यानी राइट हैंड तरफ होगा। ठीक, अब इसी तरीके से भाषण कोई देने आया है और मंच पर दो देश के झंडे लगना है या दो झंडे लगना है, तब वक्ता के ठीक राइट हैंड तरफ ही तिरंगा होगा, राइट। दूसरी बात, अब किसी भवन पर तिरंगा लगाए जाने हैं तो सबसे पहले राइट में होगा तिरंगा और उसके बाद अन्य ध्वज आएंगे। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन का फ्लैग भी अगर भारत में लगना है तो हमारे सबसे पहले राइट में लगेगा तिरंगा और उसके बाद फिर आएगा आपका यूनाइटेड नेशन का फ्लैग, राइट। अब मैं आता हूँ, आजकल हम मल्टी स्टोरी में रहने लग गए हैं, तो अगर मल्टी स्टोरी में रहने वाले झंडा लगाना चाहते हैं और वो अगर अपनी छत पर जाके झंडा लगाएंगे तो एक से ज़्यादा झंडे लग जाएंगे, जो अवैधानिक होगा। इस सूरत के लिए क्या किया कि अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट की वह खिड़की जो सड़क तरफ खुल रही है, वहाँ पर झंडे को हम 65 डिग्री के एंगल तक को उसे फहरा सकते हैं। ध्यान रखना कि जब हम फहराएं तो झंडा अपने डंडे की पूरी ऊंचाई तक होगा, डंडे के बीच में अगर झंडा आया तो ये शोक का कारण बनता है। अब हालांकि ये मकानों पर हम ऐसी स्थिति नहीं देख पाते, लेकिन शासकीय भवनों पर जब भी शोक घोषित होता है तब ये दृश्य देखने को मिलता है हमें कि सामान्य दिनों में ध्वज दंड की बिल्कुल ऊंचाई पर ध्वज फहरा रहा है, लेकिन जब शोक घोषित होता है तो उसे हम झंडे को ध्वज दंड की आधी ऊंचाई पर ला के रोक देते हैं। शाम के समय जब हम रिट्रीट होती है, झंडा उतारना है, तब झंडे को हम ऊपर ले जाएंगे, कुछ पल को रुकेंगे, फिर सम्मान से धीरे धीरे करके उसे नीचे ले आएंगे। अगले दिन जब उसे फिर शोक की अवधि फहराना है, फिर आधी ऊंचाई तक ले जाएंगे, दिन भर वो रहेगा, सूर्यास्त के समय उतारने के लिए फिर ऊपर तक ले जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे करके उसे नीचे उतार देंगे। ये आपको बताना चाहता हूँ मैं, एक और विशिष्ट बात लगे हाथ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि यदि 15 अगस्त की रात, 14 और 15 अगस्त की रात में, 25 जनवरी 26 जनवरी की रात में किसी विशिष्ट व्यक्ति का या विश्व स्तर की महान हस्ती का निधन होता है और भारत में शोक घोषित करना है उसके लिए, तो क्या होगा, सुबह के प्रोग्रामों का क्या होगा। मित्रों, ये आपको बता दूं कि राजपत्र में ये घोषणा की गई है, लिखित में आदेश आया है कि ऐसी स्थिति में भारत में सारी जगह पर कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का या गणतंत्र दिवस का यथावत चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिस भवन में उस विशिष्ट व्यक्ति का
शव रखा है, सिर्फ उस भवन का झंडा हाफ मास्ट हो गया, यानी कि आधा होस्ट हाफ मास्ट किया जाएगा, यानी कि हमारी भाषा में झुका देंगे, और वह भी तब तक जब तक कि उस विशिष्ट व्यक्ति का शव उस भवन के अंदर है। जैसे ही भवन के बाहर वो शव निकलती है, शव निकल जाता है, झंडा पूरा फहरा दिया जाएगा। अब हमारे सैनिक शहीद होते हैं सीमा पर, विशिष्ट व्यक्ति का निधन होता है, इन्होंने देश के लिए कुछ किया है, विशिष्ट काम किया है देश के लिए, उन्हें सिपाहियों ने जान दी है, उन्हें सम्मान देने के लिए हम उनके शव पर तिरंगा लपेटते हैं, राइट। इसमें बहुत गलतियां हम कर चुके हैं, लेकिन अब वो गलतियां सुधर चली हैं। तरीका क्या है कि जो शहीद होता है सैनिक सीमा पर, उसके शव पेटी पर तिरंगे झंडे को इस ढंग से रखा जाता है कि केसरे रंग की पट्टी हो सिरहाने तरफ, सफ़ेद रंग की पट्टी हो चक्र होगा उसके पेट की तरफ, और हरे रंग की पट्टी होगी उसकी जंघाओं तरफ। बिल्कुल ऐसे ही हम अपना विशिष्ट व्यक्ति के शव पर भी यही करते हैं, केसरे रंग की पट्टी होगी सिरहाने तरफ। और अभी आपने सुषमा स्वराज जी की शव पेटी पर देखा होगा, कलाम साहब की शव पेटी देखो, बिल्कुल वही तरीके से झंडे को उनको सम्मान दिया जाता है। दूसरी बात, अगर हम कई बार अभी मैंने कई मौकों में देखा, इवन दो कि कारगिल युद्ध के समय आर्मी वालों द्वारा काफ़ी गलतियां की गई, वो गलती ये थी कि शव पेटी के ऊपर जैसे कुर्सी कवर होता वैसे करके तिरंगे को लगाया गया। और तिरंगे का लगाने का तरीका क्या था कि सफ़ेद रंग की पट्टी सर से लेकर पैर तक, केसरी और हरे की पट्टी दाएँ बाएँ। अरे व्हाट इज दिस यार, जो एक कायदा बनाया है सैनिक को सम्मान देने के लिए, वो अगर ऐसा गलती कर रहे हो तो सैनिक का तो सम्मान हो ही नहीं पाया, झंडे का अपमान जरूर हो गया। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि आप जब कभी ऐसा किसी शहीद के या विशिष्ट व्यक्ति के शव पर कोई राजध्वज देखें तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि केसरी रंग की पट्टी सिरहाने तरफ हो और जंघाओं तरफ हो हरे रंग की पट्टी, तभी वो सही है। दूसरी बात कि राष्ट्रध्वज कट जाए, फट जाए, बदरंग हो जाए, फहराने योग्य ना रहे, तब ऐसी सूरत में ऐसे राष्ट्रध्वजों का वैधानिक नष्टीकरण की व्यवस्था दी गई है। ये शवों के ऊपर से जो ध्वज उतारते हैं उनके भी नष्टीकरण की एक व्यवस्था दी गई है। जो ध्वज फहराने योग्य नहीं रहते हैं ऐसे ध्वजों को हम गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ अग्नि प्रवेश दिला देते हैं या रेत या वजन बांधकर उन्हें जल समाधि दे देते हैं। और यही तरीका हम उन शवों के ऊपर से उठाए ध्वजों के लिए, जैसे ही हम चिता पर शव को रखते हैं और अग्नि लगाने को होते हैं उस वक्त वो तिरंगा हटा लिया जाता है। कब्र में किसी शव को हम जैसे अंदर रखते हैं वैसे ही तिरंगा हटा लिया जाता है, ये ध्वज फहराए नहीं जाते। पहले इनका नष्टीकरण इसी प्रक्रिया से होता था, लेकिन आपने देखा होगा कि भी ये व्यवस्था थोड़ी सी बदल दी है कि अटल जी के निधन के समय उनकी दत्तक पुत्री को ये ध्वज हैंडओवर कर दिया गया था। इस तरह से हम राजध्वज के इसका जो कहना चाहिए नष्टीकरण की प्रक्रिया को हम इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग अब ध्यान दें, अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, 22 जुलाई को राजध्वज तिरंगे का जन्मदिन ऐसे मनाएं जैसे होली ईद दिवाली हम मनाते हैं, ज़रूर मनाएं। जय हिंद, जय भारत।